नाक को हमारे मस्तिष्क का द्वार कहा जाता है। नाक में तेल डालने से अनेक प्रकार की शारीरिक समस्याओं और रोगों में लाभ मिलता है। इसके साथ ही आने वाले कई सारे रोगों से या समस्याओं से भी बचा जा सकता है। प्रतिदिन हर व्यक्ति को रात सोने से पहले एक एक बूंद दोनों नासिका छिद्रों में तेल डालना चाहिए। केवल उन व्यक्तियों को छोड़कर जिनका हाल ही में नाक या मस्तिष्क से संबंधित ऑपरेशन हुआ हो या वर्तमान समय में नाक, आँख या मस्तिष्क से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई चिकित्सा चल रही हो, उन लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोग, बच्चों से लेकर वृद्धावस्था तक, सभी लोग नाक में तेल डाल सकते हैं। अब यदि नाक में अखरोट का तेल डाला जाए एक एक बूंद रोज रात सोने से पहले, तो माइग्रेन की समस्या में बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। यदि नाक में बादाम का तेल डाला जाए, तो बादाम का तेल डालने से सामान्य सिरदर्द, आँखों से संबंधित रोग, इन समस्याओं में लाभ मिलता है। मस्तिष्क में रक्त का संचालन ठीक प्रकार से हो पाता है, जिससे मस्तिष्क अपना कार्य भली प्रकार से कर पाता है और मस्तिष्क की कोशिकाओं की वृद्धि भली प्रकार से होती है। बच्चों को यदि बादाम का या अखरोट का, दोनों में से कोई भी एक तेल, एक एक बूंद डाला जाए, तो मस्तिष्क का विकास बहुत भली प्रकार से होता है। यदि नाक में सरसों का तेल डाला जाए, बार बार जुकाम होने की समस्या, नाक बंद रहने की समस्या, बहुत अधिक छींके आना, ऐसी समस्याओं में लाभ मिलता है। देसी गाय का शुद्ध घी यदि नाक में डाला जाए, तो इससे पहले अन्य तेलों के बताए गए सभी लाभ केवल शुद्ध देसी घी से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। नाक में देसी घी डालने से मस्तिष्क में घी लगभग सभी अंगों तक पहुंचता है और मस्तिष्क को भली प्रकार से क्रियाशील बनाता है, जिससे मस्तिष्क अपने सारे काम स्वाभाविक और सहज रूप से कर पाता है। नाक में यदि नीम का तेल डाला जाए, तो नीम का तेल नाक में डालने से नाक में होने वाले जख्म, नाक से खून आना, ऐसी समस्याओं में लाभ मिलता है। नाक में दाने होना, नाक में उली लगना या कीड़े लगना, बहुत कम लोगों को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन लोगों के लिए नीम का तेल नाक में डालना बहुत ही उत्तम और प्रभावकारी औषधि है। तो प्रतिदिन रात को सोने से पहले जिन लोगों को यह इनमें से कोई रोग है, वह अपनी आवश्यकता के अनुसार इनमें से किसी एक तेल का चयन करें। जो सामान्य लोग हैं, वह भी रोज़, नहीं तो हफ्ते में 2 या 3 दिन यदि नाक में एक एक बूंद रात को सोने से पहले तेल डाला जाए, तो इससे मस्तिष्क, नासिका नली, सबके लिए ये लाभकारी है। रात को इनमें से कोई भी तेल डालने से जिन लोगों को खर्राटे आने की समस्या है, उसमें लाभ मिलता है। नासिका नली नाक के अंदर और अन्य सभी अंगों को, चेहरे के जो भीतरी सभी अंग हैं, उनकी ठीक प्रकार से मालिश हो पाती है। उनमें तैलीय पदार्थ बना रहता है, जिससे वह अंग सहज और स्वाभाविक रूप से अपना कार्य कर पाते हैं। भीतरी मांसपेशियाँ बलवान बनती हैं। तो जिन लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या है, वह अपनी आवश्यकता के अनुसार तेल का चयन करें। जो लोग स्वस्थ हैं, वह सरसों का तेल, बादाम का तेल या देसी घी, इनमें से कोई भी डाल सकते हैं। अखरोट का तेल भी डाला जा सकता है और नीम का तेल केवल वही लोग डालें जिनको नाक से संबंधित जो रोग बताए हैं, उनसे जो लोग पीड़ित हैं। सामान्य लोग इनमें से किसी भी एक चीज़ का उपयोग कर सकते हैं।